हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास डेली बेसिस पे आपकी इस टाइम पे होती है, और इस टाइम पे हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो हॉट टॉपिक होते हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। ये जो वाला जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक जो इस लेवल पे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके पेपर्स में बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलेगा और अच्छे से कवर करते हुए चलेगा जो जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो पहला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका नोट जरूर बनाते हुए चलेगा और अच्छे से इसको कवर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे हॉट्स टॉपिक होते हैं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग टॉपिक्स होते हैं, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। पहला जो न्यूज़ है वो आपके सामने है, यूपी स्टेट से लेकर के यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। ये पहला जो न्यूज़ है, देखिए यूपी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, यूपी में बहुत सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट में प्राण प्रतिष्ठा आपने देखा है, अयोध्या में हुआ 22 जनवरी को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के, तो उसको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। इसके साथ साथ अभी आप देख सकते हैं यूपी में, यूपी इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे एयरपोर्ट्स की संख्या सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। 21 एयरपोर्ट्स आप वहाँ पे देख सकते हैं, 5 अपकमिंग एयरपोर्ट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे एयरपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, टूरिज्म सेक्टर में को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो एक तरह से ये बहुत मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे यूपी में आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे यूपी को सोलर हब बनाने का कोशिश किया जा रहा है, और ये बेसिकली खास करके जो टूरिज्म सेक्टर का, जो टूरिज्म सिटीज़ में जो दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं यूपी के, वहाँ पर इसको बेसिकली फोकस किया जा रहा है, जो कि अयोध्या और वाराणसी है, तो वहीं पर स्टार्ट किया जा रहा है इसको। इसके साथ साथ 17 अलग और भी शहर हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम को इनिशिएट किया जा रहा है यूपी के शहरों में, ताकि हम यूपी को एक तरीके से क्या किया जा सके, यूपी को टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट किया जा सके, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर कन्वर्ट किया जा सके। हमारा सतत विकास लक्ष्य में भी हम लोगों ने, हमारा लक्ष्य भी है कि किसी भी तरह से हम 2030 तक हमारा जो देश है वो 50% टोटली डिपेंडेंट होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर। इसके साथ साथ हम लोगों ने COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, वहाँ पे भी भारत की तरफ से ये रखा गया था कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिशन के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा भारत जो है वो इसके ऊपर वर्क कर रहा है। रिसेंट में हम लोगों ने एक और न्यूज़ कवर किया था दिल्ली के ऊपर, कि किस तरह से दिल्ली भी वहाँ पे सोलर एनर्जीज का प्लान जो है वो आपका इनिशिएट ले रहा है, सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यूपी को लेकर के हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूपी में बेसिकली अयोध्या और वाराणसी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के डेट में हाईलाइटेड सिटीज़ है यूपी के, जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में आज के डेट में विजिट कर रहे हैं, तो उसी को सबसे पहले सोलर हब में कन्वर्ट करने को लेकर के ये इनिशिएट लिया जा रहा है। और यही दो शहर नहीं, इसके साथ साथ 17 अलग शहर भी है जिसके ऊपर ये फोकस किया जा रहा है उसको विकसित करने के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आइए इसको और अच्छे से कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण कर दिया है, यानी इनिशिएट ले लिया गया है, ये अनवील कर दिया इन्होंने अपना प्लान को कि 17 शहरों को पूरी तरह से कन्वर्ट किसके ऊपर किया जाएगा, सोलर हब के ऊपर इसको किया जाएगा। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन लगभग उस प्रोसेस में है, और एक तरह से क्या किया जा रहा है, सोलर एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर किस तरह से इनिशिएट करना है, किस तरह से हम वाराणसी और अयोध्या को सबसे पहले हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, ये प्लानिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे जो फोकस किया जाएगा कि कम से कम 14 मेगावाट सोलर एनर्जी यहाँ पे हमें डेवलप करना है, खास करके जनरेट करना है अयोध्या में। ठीक है, इसके साथ साथ 40 मेगावाट हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, और इसको बहुत जल्द स्टार्ट किया जाना भी है, क्षमता पहले स्थापित की जा चुकी है, उत्पादन जल्दी शुरू होने वाला। देखिए 40 मेगावाट कैपेसिटी का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो उसको यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी कर दिया गया है, कैपेसिटी का जो प्रोसेस है वो इंस्टॉल कर दिया है, बस प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको भी बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 14 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है अयोध्या में, पहले से हो रहा है। ठीक है, अभी 40 मेगावाट अभी और शुरू होने जा रहा है अयोध्या में, देख सकते हैं अयोध्या में ऑलरेडी सोलर एनर्जी का उत्पादन होना स्टार्ट हो गया है। वाराणसी को भी इस बड़े लेवल पे स्टार्ट किया जाएगा, वहाँ पे भी इस स्थिति को और
मजबूती में लाने की कोशिश की जाएगी, किस तरह से ऊर्जा क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर यहाँ पे इन दो शहरों में खास करके बहुत तेजी से काम होता हुआ चल रहा है। अयोध्या को सोलर सिटी परियोजना में 2500 से अधिक स्व संचालित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना शामिल है। देख सकते हैं मतलब अयोध्या को यहाँ पे स्ट्रीट लाइट 2500 स्ट्रीट लाइट टोटली जो आपकी रन होगी वो बेसिकली सोलर एनर्जी के थ्रू रन होगी, ये यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। हर शहर में इसको करने की बात यहाँ पे कही जा रही है और हर शहर को इस कमिटमेंट के साथ इसमें सस्टेनेबिलिटी लाने की बात की जा रही है, मतलब ये कंटिन्यूटी वे में ये चीजें होती रहे उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर। ये मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया था सोलर बोर्ड का अयोध्या में रिसेंट में, तो इसको भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो हर एक चीज हम लोग जो है एक तरह से हम लोग उस जो हमारा फोकस है जो हमारा एम है हम उसके तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। हमारे देश को नेट जीरो कार्बन इमिशन के ऊपर हमें वर्क करना है ताकि हम हमारा देश जो है वो हमारा जीरो कार्बन इमिशन बहुत जल्द से जल्द प्राप्त कर ले। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो है उनके उनसे हट करके नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर हम डिपेंडेंट हो सके उसके ऊपर यहाँ पे पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी बातें बताई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। देख सकते हैं अयोध्या को पहली सोलर सिटी मतलब अयोध्या शहर में हर एक चीज जो है वो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से रन होगी, तो उस तरह से आप इसको कह सकते हैं पहली सोलर सिटी के रूप में इसको स्थापित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। पहले अयोध्या, वाराणसी, फिर उसके बाद 17 शहर, मतलब आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा सोलर बोर्ड का भी उद्घाटन किया गया, तो हर एक चीज आप देख सकते हैं कितना तेजी से यहाँ पे काम हो रहा है। यूपी के हर एक चीज हर एक शहर को बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अयोध्या को ऑलरेडी बहुत सारे अयोध्या में आपको बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में देखने, क्योंकि 14 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो आज के डेट में ऑलरेडी स्थापित की जा चुकी है। 40 ऑलरेडी स्थापित हो गई है लेकिन 40 मेगावाट का अभी प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी जो 14 मेगावाट ऑलरेडी जो स्थापित हो चुका है उससे बेसिकली क्या क्या सुविधाएं अभी प्रदान की जा रही है। सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाएं जैसे ATM, इसके 40 चौराहों पर लगे सोलर स्ट्रीट भी है जो शहर के नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने का प्रतीक है। आप देख सकते हैं अयोध्या में भी ये सारी चीजें जो है 40 चौराहों पर अभी जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है ना इंटरसेक्शंस पे वो अभी पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से वो आपकी रन हो रही है। ATMs आपके कुछ देखने को मिलेंगे अयोध्या में, वो भी आपके रन हो रहे हैं। सोलर ट्रीज जो है वो भी आपके सोलर पावर से जनरेट हो रहे हैं। अब ये जो चीजें जो यहाँ पे हो रही है अयोध्या में, अब इसको पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है किसके तरफ, वाराणसी शहर की तरफ, जहाँ पे सरकारी भवनों के छत पर सौर संयंत्र को स्थापित किया जाने का यहाँ पे योजना बनाया जा रहा है। तो आपका एक स्टेप अयोध्या में तो ले लिया गया है, अब फोकस दूसरा आपका वाराणसी के ऊपर है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसल्स है, बिल्डिंग्स है, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उसके रूफ पर, उसके छत पर ये पूरी तरह से सोलर प्लांट को स्थापित करने को लेकर के, इंस्टॉल करने को लेकर के ये पूरी तरह से प्लानिंग किया जा रहा है ताकि वाराणसी को भी एक टाइम पे हम अयोध्या के बराबर ला सके। जितनी एनर्जी यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रही है उसी के बराबर हम वाराणसी में भी जल्द से जल्द पूरे शहर को कवर करें सोलर एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो एक तरह से आप देख सकते हैं 25,000 रूफटॉप सोलर प्लांट्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि एक तरह से पूरी तरह से हम क्या कर सके, स्थापना होने की उम्मीद है जो इसे सौर नवाचार के प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा। एक तरह से ये सारे फोकस आप देख सकते हैं किस तरह से सोलर हब्स के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं उसी के से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। 17 शहर याद रखिएगा, अयोध्या में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है 14 मेगावाट का, 40 मेगावाट का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया है, बस अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द उससे भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। फोकस यहाँ पे वाराणसी को भी किया जा रहा है सोलर एनर्जी हब बनाने का, जिसमें सबसे पहले गवर्नमेंट बिल्डिंग जितनी है उस बिल्डिंग पे सारे सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल किए जाएंगे, सारे सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि वाराणसी भी एक तरह से पूरा शहर जो है वो एक तरह से सोलर एनर्जी से आपका वर्क कर सके। जितनी स्ट्रीट लाइट है आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो सारी स्ट्रीट लाइट जो है वो आपकी रन किसके थ्रू होगी, वो सारी रन होगी आपकी 2500 से अधिक स्ट्रीट लाइट जो है वो सारी सौर ऊर्जा से चलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया, पहला न्यूज़। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। दूसरा न्यूज़ की मैं क्या बताऊँ बात, ये दूसरा न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट है, ये इसको जितना बारीकी से समझिएगा उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिटी इसमें इन्वॉल्व है। लद्दाख, आप सभी लोग को पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को
ये एक्ट पास हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको दो भाग में विभाजन किया गया था और उसको बेसिकली जम्मू एंड लद्दाख के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको डिवाइड करके एक यूटी के कैटेगरी में इसको रखा गया था। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था जहाँ पे आर्टिकल 360 को हटाया गया था। ठीक है, और स्टेटहुड कैटेगरी से उनको हटा करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उनको कन्वर्ट किया गया था। तो आज के डेट में आप देख सकते हैं हमारे भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, चलिए बताइए तो देखते हैं कितने लोग को पता है। अभी बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो बताइए कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो आपको बताना है। तो लद्दाख आज के डेट में पूरी तरह से डिमांड, क्योंकि लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख में बहुत सारे कश्मीरीज आपको देखने को मिलेंगे। लद्दाख बेसिकली चाइना के बॉर्डर को बहुत ज़्यादा टच करता है और लद्दाख में बुद्धिस्ट कल्चर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अपना अपना सेपरेट स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं, ये अपना सेपरेट राज्य डिमांड कर रहे हैं। आर्टिकल 370 को वापस से रिवोक करना चाह रहे हैं। देखिए 370 ना, 370 एक ऐसा आर्टिकल था जिसको हटाने के लिए बहुत प्रयास किया गया था और आज के डेट में ये आर्टिकल हट चुका है, रिमूव हो चुका है, जिसके वजह से आज के डेट में ये दोनों जम्मू और लद्दाख जो है वो आज के डेट में स्टेट के कैटेगरी में नहीं है। लेकिन लद्दाख यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि उनके जो प्रोटेक्शन राइट्स हैं, ठीक है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सारे राइट्स उनको वापस से मिले, एक राज्य निर्माण हो सके, यानी सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर में आ सके, उनके कंट्रोल में आ सके, इसको लेकर के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। उनकी खुद की संसद हो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। देखिए लद्दाख की अगर मैं बात करूँ, देखिए जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारे कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, वो सारे कंट्रोल होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और जितने भी यूटी होते हैं या फिर जितने भी अगर मैं बात करूँ 3 टायर आपके जो शहर होते हैं, जो गांव होते हैं, वो सारे कंट्रोल होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। बेसिकली हमारा संविधान ये सारी पावर किसको देता है, सारी पावर राष्ट्रपति को देता है अंडर शेड्यूल 5th एंड 6th। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5th और 6th शेड्यूल के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज है या जो भी यूटीज वगैरह है वो सारे कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ताकि उनकी कंजर्व, उनकी जो कल्चर है उसको कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, वो किसी राज्य का किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप इन सभी जगहों पर ना हो सके। वो सीधा के सीधा डायरेक्ट कंट्रोल किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख का, वो पूरी तरह से अपना डिमांड वापस आ रहा है कि वो अपना स्टेट, सेपरेट स्टेट का डिमांड यहाँ पे किया जा रहा है अंडर शेड्यूल 6th, अंडर शेड्यूल 6th अपना राज्य का दर्जा यहाँ पे डिमांड इनके द्वारा किया जा रहा है और संवैधानिक संरचना को, मांगों को लेकर के कामकाज पूरी तरह से ठप रहा है। तो लद्दाख में 6ठी अनुसूची के तहत यहाँ पे ये सारी बात कही जा रही है। प्राथमिक मांग क्या है, देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है, इसको जीरो लेवल से समझते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा सा लंबा भी है, तो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझिएगा। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इसमें डिस्कस किए जाएंगे, लाइक आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, फिर आर्टिकल 370 हो गया, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा। 35 हो गया, तो लद्दाख पहले क्या था, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने पर, देख सकते हैं 2019 में ये आपका पास हुआ था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को पूरी तरह से ये कन्वर्ट हो गया था किसमें, यूटी में। तो अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाए, उस समय 370 निरस्त हुआ था, 31 अगस्त 2019 में 370 को निरस्त किया गया था और राज्य को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू तथा कश्मीर का पूर्व रहित हिस्सा लद्दाख के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। आज के डेट में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आज के डेट में क्या है, ये यूटी की कैटेगरी में आता है और यूटी की कैटेगरी में हर एक चीज़ जो है वो पूरी की पूरी तरह से कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पे जो भी सांस्कृतिक माहौल है, जो भी इनका कल्चर है, जो भी इनके इनके लोकल चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे, जो भी इनकी आइडेंटिटी है, ये सारी की सारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट यहाँ पे किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये रीजन पूरी तरह से अंडर शेड्यूल 6 के तहत, ये ध्यान रखिएगा। तो नया जो है ये बेसिकली अपना डिमांड कर रहे हैं वापस से, जो प्रशासनिक स्टेटस है वो पूरी तरह से वापस से रिवोक करना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं। ये इनके पास, एक राज्य के पास जो पावर होती है वो सारी पावर ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आज के डेट में अगर देख सके तो प्रशासनिक दर्जे को लेकर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई हुई है इस क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, क्योंकि तब से लद्दाख अपनी सांस्कृतिक और जनसांख्यिक पहचान की अधिक स्वायत्तता और सुरक्षा की मांग कर रहा है। तो लद्दाख स्टार्टिंग से, जब भी 370 आपका हट रहा था, उस टाइम से ही ये अपनी चीज़ों को लेकर के पूरा क्लियर था और ये उस टाइम से अपने स्टेट्स को लेकर के डिमांड रख रहा था कि हमें स्टेट्स में स्टेट्स चाहिए। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले चीज़ समझिए कि अगर कोई राज्य
को विभाजित किया जाता है, तो वो अंडर आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है। देखिए मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है 17 तक शायद मैंने पढ़ा दिया, तो उसको देखिए जाकर के। आर्टिकल 3 में मैंने आपको बताया था ये संसद के बाद पूरा पावर होता है कि वो किसी भी राज्य को दो भाग में बांट करके नया राज्य निर्माण कर सकता है, या किसी भी राज्य के बाउंड्री को चेंज करके नया राज्य में बना सकता है, या फिर किसी दूसरे राज्य के बाउंड्री को अपने राज्य में मिला करके एक नया अपने राज्य की बाउंड्री को बढ़ा सकता है। तो ये अंडर आर्टिकल 3 के तहत ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। और यहाँ पे भी अंडर आर्टिकल 3 का यूज़ करके यहाँ पे जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था, इसको डिवाइड करके दो बराबर यूनियन टेरिटरी में विभाजित किया गया था। और ये विद इन इंडियन टेरिटरी हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, भारत का जो क्षेत्र है उसके अंदर में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये अंडर आर्टिकल 3 के तहत ये सारे स्टेप्स लिए गए थे। अभी आगे हम लोग और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला डिमांड्स क्या है, प्राइमरी डिमांड्स यानी प्राथमिक डिमांड्स क्या है कि इन लोग चाहते हैं कि वापस से 370 जो है और 35A ये वापस से इसको रिवोक करना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो सोशियो प्रोटेक्शन है और जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है इनको वापस से मिल सके। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की मांग के तहत अनुच्छेद 370 और 35A के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, 35A क्या बोलता है, 35A ये बोलता है कि ये कोई भी उनका जो पार्लियामेंट के पास पूरा पावर होता है कि वो किसी भी स्टेट के जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, उनकी प्राथमिक मांगें क्या है, देखिए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये बात यहाँ पे इनके द्वारा मांग की जा रही है, क्योंकि राजनीतिक स्वायत्तता में अभी इनका डिसीजन कुछ भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन ये तब ले पाएंगे जब एक राज्य बनेंगे। आज के डेट में यहाँ पे कोई भी संसद नहीं है, संसद नहीं है इसका मतलब ये है कि ये एक राज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा राज्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें तब इनके पास आएगी जब ये अपना स्टेटहुड में कन्वर्ट होंगे, और निर्णय लेने की शक्तियाँ भी इनके संदर्भ में लद्दाख को उसके वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के स्थान पर एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग रखी गई। ठीक है, ताकि सेल्फ डिसीजन ले सके, क्योंकि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और डिसीजन मेकिंग पावर फुल फ्लेश्ड स्टेट की मांग इनके द्वारा रखी जा रही है ताकि वो डिसीजन मेकिंग पावर कर सके। ये अंडर 6 शेड्यूल के अंतर्गत ये सेफ गार्ड करता है। इनकी डिमांड्स क्या है, देखिए आज शेड्यूल 6 क्या कहता है, शेड्यूल 6 कहता है स्वदेशी आबादी के सांस्कृतिक भाषाएं और भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधानों को क्रियान्वयन की मांग की गई है। तो यही 6वीं अनुसूची में बोला गया है कि एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत इस शेड्यूल में आपके कल्चर को, आपकी भाषा को, आपके जो भूमि राइट्स है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पे 6 शेड्यूल के तहत कहा जा रहा है, और ये प्रोटेक्ट करने का पूरा पावर किसके पास होता है, ये प्रोटेक्ट करने का पूरा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। इसके साथ साथ आपको अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा जब आर्टिकल 370 लगा हुआ था, तो कोई भी भारत का कोई भी नागरिक कहीं पे भी क्यों ना रहता हो जम्मू कश्मीर के अलावा, वो वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता था, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। लेकिन आज के डेट में आप कहीं पे भी अगर जम्मू कश्मीर में आपको लैंड लेना हो तो वो आपका प्रावधान देखने को मिलेगा। तो लैंड राइट्स तक भी इनसे हट गए हैं, क्योंकि 370 हट गया है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कोई भी कहीं पर भी ज़मीन ले सकता है। आप कहीं पर भी रह रहे हो, अगर आपको दिल्ली में ज़मीन लेना है, अगर आपको गोवा में लेना है, अगर आपको तमिलनाडु में लेना है, तो आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन 370 जब तक नहीं हटा था तब आप जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे किसी का भी कोई भी राइट्स नहीं था कि वहाँ पे कभी भी कोई भी ज़मीन ले ले। अभी रिसेंट में आप देख सकते हैं लद्दाख में भी बहुत सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। मॉर्निंग के न्यूज़ में भी हम लोगों ने कवर किया था कि UPSC अपने सेंटर को एक्सटेंड किया है कारगिल में, क्योंकि वहाँ के एस्पिरेंट्स के द्वारा तरफ से डिमांड रखा गया था कि सर हम लोग भी एस्पिरेंट्स हैं और हमें बहुत दूर ट्रैवल करना होता है, हमारे यहाँ पे एक भी सेंटर नहीं है UPSC का, तो इसको एक्सटेंड करके हमारे यहाँ पे एक सेंटर को आप उसको स्थापित करें। तो यहाँ पे UPSC ने उसकी डिमांड मान करके एक कारगिल में एक सेंटर, यहाँ पे अभी जो आगामी पेपर होने वाला है उसमें आपको एक सेंटर कारगिल भी देखने को मिलेगा। तो जो बेसिकली लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो वो वहाँ पे सेल्फ सेंटर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलेगा जो लद्दाख में, क्योंकि हर स्टेट अपने राज्य में एक जॉब को, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जॉब क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन अभी इनके पास नहीं है यूथ को लेकर के लद्दाख में, क्योंकि कोई पावर में है नहीं वहाँ पे, जो वो जितने भी आर्थिक और जो भी
अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल और आर्थिक जो भी रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में, वो सारी के सारी किसके द्वारा वो कंट्रोल की जा रही, सेंटर, ये इस आपकी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो तो बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा वो कंट्रोल की जा रही है। तो रोजगारों के अवसर में आरक्षण का समावेश, आर्थिक संसाधनों एवं अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सेपरेट पार्लियामेंट्री कौन, अभी मैंने वही बताया कि इनको अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए सेपरेट संसद भी चाहिए ताकि वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका ले और कारगिल में उसको बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, और एक तरह से जो डेमोग्राफी डेमोक्रेसी है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें फोकस कर सके हर एक क्षेत्र में। अगर मैं होम अफेयर्स की बात करूँ तो एक हाई पावर कमेटी आपको देखने को मिलेगा जो एक डिमांड रखता है लद्दाख का कि वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव बिलोंग करें। तो लद्दाख के प्रतिनिधि के लिए साथ संवाद करने के लिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन यहाँ पे किया गया, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 35A आ जाता है। देखिए 35A क्या कहता है, क्या पावर देता है, ये इम्पावर करता है जम्मू कश्मीर स्टेट को कि वो अपने परमानेंट रेसिडेंट को इम्पावर कर सके, ठीक है, उसका कोई भी इफेक्ट ना हो यहाँ पे। अब अभी फिलहाल 35A पावर में नहीं है क्योंकि 370 हट गया आपका, 370 हट गया इसीलिए आपका वर्तमान में अप्रभावी है। तो 370 जब था वही मैंने जो अभी आपको बात बताई कि जब आर्टिकल 370 था तो आप अगर कहीं पे भी भारत के किसी कोने में रहते हो, अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख के अलावा, तो आप जम्मू कश्मीर लद्दाख में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन 35A ये किसके तहत, ये 35A के तहत, क्योंकि ये एक स्पेशल पावर जम्मू कश्मीर को देता है 35A, जिसमें स्थायी निवासी को यहाँ पे बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आप वहाँ के स्थायी निवासी है, परमानेंट रेसिडेंट है, और आप स्पेशल राइट जो है, प्रिविलेज है, वो किसी और सिटीजन को यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है, कि वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट वो वहाँ पे आकर के ले ले, मतलब वहाँ पे वो अपना ज़मीन वगैरह खरीद सके, बुक कर सके, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर स्टेट का ये आर्टिकल 35A के तहत ये स्पेशल पावर दिया गया हुआ है एक परमानेंट रेसिडेंट को लेकर के, ठीक है, तो ये ध्यान रखते चलेगा। अब लद्दाख के करंट यूटी स्टेटस का क्या प्रभाव पड़ा है, देखिए वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किए जाने के क्या क्या कारण है। पहला तो पूर्व लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, ऑब्वियसली बात है जम्मू कश्मीर राज्य जो पहले हुआ करता था उसी का हिस्सा लद्दाख हुआ करता था। अब लद्दाख में देखिए मैंने अभी आपको बताया भी लद्दाख में बेसिकली जो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तिब्बत आपको बगल में देखने को मिलेगा, तो बौद्ध धर्म की बहुलता यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मुस्लिम बहुल आबादी भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। देखिए एक तरह से बुद्धिस्ट मेजोरिटी भी आपको देखने को मिलेगा और मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख में बुद्धिस्ट देखने को मिलेगा और मुस्लिम आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों जगह अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो कंसर्न है ये कंसर्न आपके एक तरह से सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को क्या करता है, एक चिंता के रूप में उत्पन्न करता है कि दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में ये दोनों बट गए, ठीक है। यहाँ पे सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण भी देखा जा रहा है क्योंकि लद्दाख जो है वो लद्दाख की सीमा पाकिस्तान और चीन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लगती है, ऑब्वियस ही बात है लद्दाख जो है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड कंट्री हमारे साथ, जिनके साथ रिलेशन उस लेवल पर अच्छा नहीं है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, तो वहाँ पे भी एक ये इनके द्वारा डिमांड रखी जा रही है कि हमारी सीमा पाकिस्तान और चीन के साथ रखी जा रही है तो हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिसीजन लेने की पावर हमारे पास होनी चाहिए, यानी ये संसद की डिमांड कर रहे हैं, जो विधानमंडल होती है स्टेट लेजिस्लेचर हो रहा है उसकी डिमांड ये लोग रख रहे हैं, और उसी चीज़ को लेकर के ये अपना स्टेट को डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यूटी को पूरी तरह से पूर्ण राज्य का को पूर्ण राज्य में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किए जाने से इसे सुरक्षा मामलों में केंद्र सरकार से अधिक प्रत्यक्ष और सुव्यवस्थित प्रशासन व बनत मिली है, तो उसको लेकर के यहाँ बताया जा रहा है कि एक तरह से ये यूनियन टेरिटरी जो इस्टेब्लिश हुआ है ये अलाउ करता है डायरेक्ट और स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मैटर्स में, ठीक है। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की सरकार जो है वो तरह तरह से यूनियन टेरिटरी को एक अलग तरह से एड्रेस करती है, एक ग्रेवेंसेस प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वहाँ की जो प्रशासनिक चीज़ें हैं उसको और इम्प्रूव करने का कोशिश किया जा रहा है, डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, तो सेंटर अपना काम पूरी तरह से कर रही है, भारत सरकार अपने काम पूरी तरह से कर रही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करूँ कि राज्यों को निर्माण कैसे किया जाता है, भारत में राज्यों का निर्माण कैसे किया जाता है,
उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 3 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 3 अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 3 के तहत देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। नए राज्यों का गठन किया जाता है, राज्य क्षेत्र में अगर विस्तार करना हो तो इसका आर्टिकल 3 का यूज़ किया जाता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, राज्य के नाम में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 में मैंने आपको बता दी है। आपको वीडियो के एंड में आर्टिकल का सेक्शन आपको मिलेगा, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से सारे आर्टिकल्स वहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, उसको देखिए देखते हुए चलेगा। यहाँ पे क्या बोला जाता है, एक बिल पास किया जाता है चेंजेस को लेकर के, बदलाव को लेकर के सभी हाउसेस में, कि हम बिना किसी प्रेस, देखिए यहाँ पे आर्टिकल 3 के तहत कोई भी अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमें संसद में प्रस्ताव रखने के पहले हमें राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को हम पहले अप्रूवल लेंगे कि हम इस राज्य को यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं, उनके बाउंड्रीज को अल्टर करने जा रहे हैं, बदलाव करने जा रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे, फिर उस चीज़ को संसद में पेश किया जाता है, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट जिस राज्य में चेंजेस होने वाले हैं वहाँ के राज्य विधानमंडल के पास वो लेटर भेजते हैं कि आपके राज्य को लेकर के ये चेंजेस होने वाले हैं, वहाँ की जो जो MPs वगैरह हैं तो उनसे, वहाँ के जो विधायक वगैरह हैं तो उनसे बेसिकली सारी चीज़ें डिस्कशन होती है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये चीज़ें डिस्कस होने वाली है, तो उनको नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बिल को रिकमेंड करने के पहले यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इससे संबंधित राज्य विधानमंडल में पास प्रेषित करते हैं। अभी वही चीज़ें मैंने बताया, ये अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, उस वीडियो में भी जा करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से उसमें आपको बताया हुआ है। पार्लियामेंट के पास पूरी तरह से एक पावर है कि वो नए स्टेट का निर्माण कर सकता है, UT बना सकता है, एक ना एक किसी स्टेट का एक हिस्सा निकाल के UT का निकाल करके दूसरे राज्य में मिला सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट के पास ये पावर है, अपने विचारों का पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं है। संसद के पास ये सारी पावर है, आर्टिकल 3 के तहत ये सारी पावर उनको दी जाती है कि किसी भी राज्य में किसी भी राज्य की सीमाओं को मिला करके वो नए राज्य का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, संबंधित विधायकों के समक्ष किसी भी प्रकार का कारण अथवा संदर्भ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, संसद कोई भी उचित कार्रवाई कर सकती है। भारत राज्यों का एक संघ है, जिस अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि देखिए ऐसे में भारत इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन, आप यूनियन को ब्रेक नहीं कर सकते, भारत का जो टेरिटरी है आपको जो करना है उसे टेरिटरी के अंदर करना है, उसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, तो इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन है, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, भले ही आप स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं लेकिन आप पूरे भारत की टेरिटरी में आप किसी का, ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर राज्य हम किसी को सौंप दिए, ये पावर संसद के पास नहीं है। जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है भारत की, उसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो उसकी पावर संसद के पास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वाई इंडिया इज कॉल्ड एन इंडस्ट्रिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, तो यहीं से यह आया। सिक्स शेड्यूल क्या है, सिक्स शेड्यूल एक स्पेशल प्रोविजन है जिसमें बताया जाता है जो ट्राइबल एरियाज के जो एरिया है, छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244। देखिए 244 क्या कहता है, चार पूर्वोत्तर राज्य की बात कही जा रही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे शामिल है, स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे दिया जाता है, स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने को लेकर के ट्राइबल एरियाज के भारतीय के संविधान में। इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ट्राइबल लैंड को हम सुरक्षित कर सकें, उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनके रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, संसाधनों की सुरक्षा करना और गैर जनजातीय संस्थाओं को हस्तांतरण करने से रोकना है। ठीक है, इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता, ना कोई स्टेट ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट। यह जनजातीय समुदायों का शोषण से भी सुरक्षा प्रदान करता है और ये उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता को बरकरार रखने में उनको प्रोत्साहन करता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, स्वायत्त जिले और क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, 3 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन स्वायत्त जिलों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये इस राज्यों को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइबल एरियाज को, जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगर कोई डिफरेंट ट्राइबल है, अगर उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बेसिकली कन्वर्ट करना है, तो ये पूरा का पूरा राज्यपाल के पास ये पावर होता है कि वो उस रीजन को हम डिवाइड कर सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को हम डिवाइड करके नए स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित करने का पावर जो होता है वो उस राज्य के हेड के पास होता है। अगर कोई जिला है उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है, उन वहाँ पर जनजातियों का निवास जहाँ वहाँ पर बेसिकली करती है और वो डिमांड कर रहे हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का, कि अगर वो राज्य स्टेट गवर्नमेंट से परेशान है या उनकी रिसोर्सेस वगैरह संसाधनों वगैरह में असुरक्षित है या उनसे शोषण किया जा रहा है, तो राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि उस जिला को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट कर देना और वहाँ पर किसी भी तरह से उसके बाद राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप
नहीं किया जाएगा, वहाँ पे पूरा पूरा कंट्रोल राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पे सारा चीज़ किया जाएगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। राज्यपाल के पास स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ पुनर्गठित करने और सीमाओं अथवा नामों को परिवर्तन करने की भी शक्ति है। तो राज्यपाल के पास पूरा पावर है कि वो उसको ऑर्गेनाइज करे, रीऑर्गेनाइज करे, और एक तरह से बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे ट्राइबल ए पॉपुलेशंस रहती हैं। समझ में आ रहा है? बहुत विस्तार से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6th शेड्यूल कहता है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल के पास पूरा पावर है, यहाँ पे राज्यपाल के पास पूरा पावर आ जाता है, पावर आ जाता है कि किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को यानी स्वायत्त क्षेत्रों को हम पूरी तरह से उसकी सीमाओं को चेंज कर सकते हैं, उसको उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, उसके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। 6th शेड्यूल में और क्या देखने को मिलता है कि कोई भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होता है उस सभी डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से क्या किया जाता है, मैक्सिमम उस जगह पे 30 मेंबर होते हैं, जिला परिषद का वहाँ पे गठन किया जाना आवश्यक है और उसमें अधिकतर 30 सदस्य होना निश्चित है। देखिए, जिला और क्षेत्रीय परिषद की बात की जा रही है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, इसमें से राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 4, जबकि शेष का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार स्वायत्त क्षेत्र के रूप में नामित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है सेपरेट रीजनल काउंसिल यहाँ एस्टैब्लिश किया जाता है उसी चीज़ को लेकर। तो ये था पूरा आज का करेंट अफेयर्स, आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत बारीकी से क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्लियर कीजिएगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे कल मॉर्निंग में, उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।